पूर्णिया बिहार ऐतिहासिक विरासत तथा धार्मिक स्थलों के कारण पर्यटन की दृष्टि से एक महत्वपूर्ण राज्य है। हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म के अनेक महत्वपूर्ण तीर्थस्थल यहाँ मौजूद हैं, जो देश भर में बिहार को एक अलग स्थान प्रदान करता है। बिहार एक ऐसा राज्य है जो देश नहीं बल्कि दुनिया को दो महत्वपूर्ण धर्म दिए हैं, बौद्ध और जैन। बिहार में संभवतः कोई ऐसा जिला नहीं होगा जहाँ कोई पर्यटक स्थल ना हो, और यहाँ सभी पर्यटक स्थल के कुछ ना कुछ खास मायने हैं। यही नहीं, अगर आपको अपने रोज़मर्रा के तनाव से चाहिए थोड़ा सा सुकून, तो चले एक सुकून भरे स्थल पर। नमस्कार, बिहारी न्यूज़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बिहारी विहार के आज के इस सेगमेंट में हम लोग एक गुफा के सफ़र पर चलेंगे। यह गुफा बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए एक खास मायने रखता है। बिहार में यूँ तो कई बौद्ध तीर्थ स्थल मौजूद हैं, लेकिन डुंगेश्वरी गुफा मंदिर लोगों के दिलों में एक विशेष स्थान रखता है। इस गुफा को प्राग बोधी गुफा भी कहा जाता है। प्राचीन डुंगेश्वरी गुफा मंदिर 12 किलोमीटर की दूरी पर गया के उत्तर पूर्व में स्थित है। इन गुफा मंदिरों को महाकाल या प्राग बोधी गुफा मंदिरों के नाम से भी जाना जाता है। यह स्थान बौद्ध धर्म के लोगों के लिए उच्च श्रद्धा का धार्मिक स्थल है, क्योंकि उनका मानना है कि भगवान गौतम बुद्ध ने बोध गया जाने से बहुत पहले इन गुफाओं में 6 वर्षों तक ध्यान लगाया था। यह गुफाएं काफी जटिल प्रतीत होती हैं, जहां एक भगवान बुद्ध की खास मूर्ति भी रखी हुई है। इन गुफा मंदिरों के अस्तित्व के पीछे एक दिलचस्प कहानी है, जिसमें कहा गया है कि गौतम बुद्ध अपनी तपस्या के दौरान बेहद कमजोर और भूखे हो गए थे। उस समय पास के गांव की सुजाता नाम की महिला ने उन्हें खीर खिलाया था। सुजाता गढ़ वाला वीडियो भी आप लोगों को इसी पेज पर मिल जाएगा, आप वहां जाकर सुजाता गढ़ वाली स्टोरी आप सुन सकते हैं। यह माना जाता है कि भगवान बुद्ध को यहीं से मध्यम मार्ग का ज्ञान प्राप्त हुआ था। दो छोटे मंदिर इस घटना की याद में यहां बनाए गए हैं। मूलतः यह हिंदू धर्म से जुड़ी गुफाएं हैं, जो हिंदू देवी डुंगेश्वरी नाम से विख्यात है। यह गुफा पहाड़ों पर बनी सबसे खूबसूरत मंदिरों में से एक है, जहाँ भगवान बुद्ध के साथ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां लगी हैं। यहाँ भगवान बुद्ध की विशेष मूर्ति है, क्योंकि उन्हें यहाँ ध्यान की अवस्था में कंकाल जैसे ढांचा में बनाया गया है। चीनी यात्री ह्वेन सांग ने भी अपनी यात्रा वृतांत में इस गुफा का जिक्र किया था। बोध गया आने वाले बौद्धिस्ट डुंगेश्वरी मंदिर जरूर आते हैं, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब तक वह इस मंदिर में नहीं आएंगे, उनकी यात्रा सफल नहीं होगी। श्रद्धालुओं के साथ साथ यह पर्यटकों का भी आकर्षण का केंद्र है। पहाड़ी पर होने की वजह से यह युवाओं के मुख्य आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि आपको यहाँ पहाड़ी की ट्रैकिंग करने को मिल जाता है। पहाड़ी की चोटी तक पहुँचने के लिए ट्रैकिंग करनी पड़ती है। इस मंदिर को बहुत ही खूबसूरती के साथ पहाड़ी के ऊपर बनाया गया है, जो देखने में बेहद आकर्षक है। वृद्ध पर्यटकों के लिए पालकी इत्यादि की सुविधा भी सहजता से यहाँ प्राप्त हो जाती है। पहाड़ पर चढ़ने के बाद नीचे का नज़ारा देखते ही बनता है। आसपास बड़े बड़े पेड़ों से बना घना जंगल प्राकृतिक खूबसूरती देखते बनती है। मन को चाहिए शांति, तो आए इस पहाड़ पर, इस गुफा में, इस मठ में आकर पर्यटकों को असीम शांति का अनुभव होता है। माना जाता है कि डुंगेश्वरी पहाड़ी पर तपस्या के बाद ही सिद्धार्थ बोधगया आए थे। गया आने वाले विदेशी पर्यटक भी डुंगेश्वरी पहाड़ी जरूर आते हैं। तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएं कि आप कब पहुंच रहे हैं। अपना जवाब हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।